नमस्कार, मैं इमरान और आप देख रहे हैं शहीद चौक लाइव। आप जो सैनिटाइजर यूज करते हैं वो कितना सुरक्षित है, इसे कभी आपने सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और सोचिए कि जो सैनिटाइजर आप यूज करते हैं वो कितना कारगर है। इस कोरोना महामारी के दौरान आपने आपदा को अवसर में बदलने वाले बहुत सारे जुमले सुने होंगे। तो क्या आपदा को अवसर बनाने के चक्कर में आप किसी के जान से भी खेल सकते हैं? जी हां, आज एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है कि कुछ बड़े ब्रांड के सैनिटाइजर को छोड़ दें तो क्या लोकल मार्केट में बिकने वाले लोकल सैनिटाइजर आपको सच में सुरक्षित करते हैं या सिर्फ आपको भ्रम में रखते हैं कि ये कोरोना वायरस को मारता है? अगर नहीं मारते होंगे तो क्या हो सकता है, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। इसी पड़ताल में आज टाइम्स न्यूज की टीम कटिहार के दुकानों पर गई, जिस पड़ताल में कई चौंकाने वाले तथ्य हमारे सामने आए। ज्यादातर दुकानदार हमें ये बताने में नाकामयाब रहे कि उनके द्वारा बेचे जा रहे सैनिटाइजर कोरोना जैसे खतरनाक वायरस को मारने में सक्षम भी है। आप खुद ही सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमको जो देता है हम ऑर्डर लेने आता है, सब दुकानदार को माल देता है। ये कोरोना वायरस से कैसे लड़ेगा ये कंपनी, इसकी क्या प्रमाणिकता है? वो तो भैया जो दे रहे हैं बेच रहे हैं एजेंसी वाला से माल ले रहे हैं, जिसका डेयरी मिल्क है ना उसी का माल है। आप तो एजेंसी वाला को ना बोलिएगा भैया। अरे माल तो आप लाए खरीद के ना? हाँ, माल वो हम लोग को देता है भैया। माल आप खरीद के लाए तो हम लोग ही लगाते हैं, कोई शिकायत नहीं है। अभी शिकायत आपको कैसे पता चलेगा कि शिकायत है कि नहीं? कोई शिकायत नहीं है। आपको पता कैसे चलेगा कि शिकायत है कि नहीं है? सही बात है। आप जो ये माल बेच रहे हैं ये किस कंपनी का है ये आपको भी ढंग से नहीं पता है? तो हमको मालूम नहीं है भैया, दिए भैया। तो आप कैसे बेच रहे हैं इसको? भैया बोले वहाँ बेचो इसलिए हम बेच रहे हैं। कैसे बेच रहे हैं, ये कौन सी कंपनी है? कंपनी हमको मालूम नहीं है भैया, दे रहे हैं हमको मालूम नहीं है। ये कोरोना वायरस की बैक्टीरिया से लड़ने में कारगर है, इसकी प्रमाणिकता कौन देगा? वो तो पूरा बाजार वही बिक रहा है, बस भैया दिए हम बेच रहे हैं, मेन ये बात है। कहाँ से लाते हैं ये माल? वो तो पूर्णिया से लाते हैं। पूर्णिया से लाते हैं, तो कब से बेच रहे हैं ये? हम तो 2 दिन से बेच रहे हैं। जिसे आप सैनिटाइजर समझकर खरीदते हैं और जिसे आप हाथों में वायरस को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर वो अपनी गुणवत्ता पर खड़ा नहीं उतरा तो क्या होगा, ये आप बखूबी समझ सकते हैं। ये एक बेहद गंभीर मामला है, लिहाजा जिला प्रशासन ने भी इस मामले की गंभीरता समझते हुए कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। इस मामले में जब हमने कटिहार के SDM नीरज कुमार से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। स्वाभाविक है कि ये गलत है और ये एक तरह से ये पूरा जो बीमारी से जो लड़ने की जो मुहिम है उसको कमज़ोर करने की कोशिश है। अगर ऐसा कोई कार्रवाई काम कर रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं तो बिल्कुल उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और अगर ऐसे स्थानों का पता चलेगा तो वहाँ पर हम लोग छापेमारी भी करके FIR दर्ज करेंगे और ऐसे लोगों को जेल भेजेंगे। जो असली और नकली होते हैं उसमें फ़र्क आसानी से एक सामान्य आदमी भी देख सकते हैं। तो मेरी अपील है ऐसे लोगों से कि जब आप सैनिटाइज़र मार्केट में खरीदें तो वो देख लें कि उसकी क्वालिटी और उसका ब्रांड अच्छा है, वही उसी सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। बहरहाल अगर आप भी इसी तरह के किसी सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं जिसकी गुणवत्ता को लेकर आपके मन में तनिक भी संदेह है तो आज ही बदल डालिए अपने सैनिटाइजर को और किसी अच्छे गुणवत्ता वाले सैनिटाइजर का इस्तेमाल शुरू कीजिए जो सरकार के मानकों को पूरा करता हो। खरीदने से पहले ये जरूर देखिए कि उसमें 70% अल्कोहल की मात्रा है या नहीं है। हम बिहार सरकार और कटिहार जिला प्रशासन से भी गुजारिश करते हैं कि किसी के जान को जोखिम में डालकर आपदा को अवसर में बदलने वाले ऐसे धंधेबाजों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। टाइम्स न्यूज डेस्क कटिहार।
निश्चित तौर पर जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और आप जब भी सैनिटाइजर खरीदें तो एक अच्छी कंपनी का खरीदें ताकि आप सुरक्षित रह सकें, साफ रहें, सुरक्षित रहें और संयमित रहें। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।